हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मशरूम का एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है मशरूम मटर मसाला। और उसका रेसिपी मैंने पहले शॉर्ट्स में अपलोड किया था, लंच बॉक्स रेसिपी में। आज इस वीडियो में मैं उसका पूरी डिटेल रेसिपी अभी ही शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल डिवाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ मशरूम लिया, उसको पानी में हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप चाहो तो गुनगुना पानी भी ले सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इधर टर्मेरिक ऐड किया और उसको अच्छे से मैं धो लूँगी और पानी के साथ उसको क्लीन कर लूँगी। अच्छे से एक दो बार पानी से क्लीन करने के बाद मैं उसको छोटा छोटा पीस में कट कर लूँगी। आप चाहो तो उसको, आप अगर बड़ा पीस रखना चाहते तो रख सकते हो, नहीं तो आप छोटा छोटा पीस में कट कर दो। अभी हम मशरूम को बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो, नहीं तो सनफ्लावर ऑयल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं एक क्यूब बटर ऐड कर रही हूँ, आप ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम एक टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, 2 पिंच जैसा हींग हम यहाँ ऐड करेंगे। एक ओनियन को मैं यहाँ बारीक चॉप कर ली हूँ और उसको ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको भुनेंगे। ऑयल में मैं खड़े मसाला ऐड करना भूल गई थी, यहाँ मैंने 2-4 लौंग और काली मिर्च को ऐड किया। 1 टीस्पून हम यहाँ अदरक लहसुन और रेड चिली पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, आप जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। मैं यहाँ थोड़ा काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून में एनी करी पाउडर या किचन किंग मसाला आप ऐड कर सकते हो। और उसको मसाले को अच्छे से ऑयल के साथ भुनेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1/2 टमाटर और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक ऐड करने से टमाटो अच्छे से गल जाता है। और टमाटो को हम थोड़ा सा भुनेंगे मसाले के साथ। और उसके बाद हम ऐड करेंगे कैस्यू और टमाटो का पेस्ट। यहाँ मैंने 1/2 टमाटर और 4-5 कैस्यू का पेस्ट बना लिया था। और ग्राइंडर जार को अच्छे से धो के उसका पानी में यहाँ ऐड करूँगी। उसको अच्छे से मिला लेंगे एंड कवर करके 2-3 मिनट्स हम लो टू मीडियम फ्लेम में उसको कुक करेंगे, जब तक ऑयल मसाला से रिलीज ना हो जाए। आप 2-3 मिनट्स बाद आप देख सकते हो ऑयल हमारा अच्छे से रिलीज हो गए, मसाला अच्छे से कुक हो गए। हम यहाँ थोड़ा सा 2-3 टीस्पून हम फेटा हुआ कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड को अच्छे से फेट लेना, फिर उसके बाद ऐड करना। जब कर्ड ऐड करे हो तभी फ्लेम को स्लो रखना और उसको कवर करके और 2-3 मिनट्स हम लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। आप देख सकते हो मसाला हमारा कितने अच्छे से कुक हो गया है। इसी स्टेज में हम यहाँ ग्रीन पीस ऐड करेंगे। मैं यहाँ फ्रोजन ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश हो तो आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को क्रश करके ऐड किया और हम मशरूम को ऐड कर देंगे। मशरूम ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मसाले के साथ 2-3 मिनट्स तक मिक्स करेंगे और उसको कवर करके 7-8 मिनट्स तक हम उसको मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। और हम यहाँ बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किए थे, मशरूम अपने आप पानी रिलीज करता है। आप देख सकते हो 7-8 मिनट बाद मशरूम अच्छे से कुक हो गया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हमारा मशरूम मटर मसाला रेडी हो गया है। ये बनाना बहुत सिंपल है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप कुछ कुछ चीज़ उसको मसाला में ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा। आप उसको रोटी राइस सबके साथ खा सकते हो, आप घर पे बनाइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी कैसे